हम सभी अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से किसी न किसी बुरी परिस्थिति से लड़ रहे हैं और लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी के लड़ने की ये जो हिम्मत है यही सिखाती है कि हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस चलते चले जाना है, आज नहीं तो कल। आप जिस मंजिल के लिए निकले हो वो मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी, बस आपको धैर्य रखना होगा और कड़ी मेहनत लगातार करते रहना होगा। दोस्तों, म्यूजिक की दुनिया में, गायकी की दुनिया में और बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कैलाश खेर के बारे में नहीं जानता होगा। कैलाश खेर अपनी गायकी के अंदाज से इतने बड़े वायरल हो गए, इतनी फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ गई कि उनके किसी भी गाने को आप सुन लीजिए, उस गाने को आप सुनते ही चले जाएंगे। कैलाश खेर का जो जीवन है वो इतना सरल नहीं था। एक बार तो उन्होंने आत्महत्या करने के लिए गंगा नदी में छलांग भी लगा दी थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कैलाश खेर जो है वो बहुत ही कम उम्र में, 14 साल की उम्र में अपना घर द्वार छोड़कर दिल्ली चले गए। वहां पर जाकर स्टेशन वगैरह पर सोए, छोटे मोटे उन्होंने काम किए, होटल्स वगैरह में काम किया और फिर उसके बाद उनके जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव होने लगा। इनका ये कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों को देखा है और बड़े ही करीब से देखा है, क्योंकि उस वक्त मैं अकेला था, मेरे पास शिकायत करने के लिए कोई नहीं था। मेरी सारी शिकायतें, मेरे सारे सुख, मेरे सारे दुख मैं अकेले में ही खुद से बातें कर लिया करता था। कभी कभी खुद से बातें कर लिया करता था कि यार मेरी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है, मेरी जिंदगी जा कहां रही है और कहां जाकर रुकने वाली है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी में अच्छा समय जरूर आएगा। ये चीजें कब बेहतर होगी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में हर रोज सुबह उठता था और एक नई लड़ाई लड़ा करता था। कैलाश खेर जब 27 साल के हुए तब उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कैलाश खेर का ये कहना है कि उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था और उन्होंने सोचा था कि उस जमीन के टुकड़े को बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमाएंगे और उसी से अपना एक आशियाना भी तैयार करेंगे और बाकी जो पैसे प्लॉट के बेचकर वो अपने पास रखेंगे ताकि अपने माँ बाप की जिंदगी को भी अच्छा बना सकेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप भी किराए के घर में रहा करते थे। लेकिन इसी बीच वो डील कैंसिल हो गई और कैलाश खेर को 22 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जो उस दौर में काफी बड़ा अमाउंट था और आज के दौर में भी काफी बड़ा अमाउंट है। कैलाश खेर के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी में ये जो पैसे कमाए थे बड़ी मेहनत से, बड़ी कड़ी मशक्कत से, वो सब कुछ डूब चुका था, वो बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि अब उनके हाथ खाली हो चुके थे। उन्होंने जो भी कमाया सब खत्म हो गया, सब चौपट हो गया। कैलाश खेर के मुताबिक उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई थी मीडिया में, तो इस डील से वो परेशान तो हो गए थे लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी उन्होंने। उसके बाद वो कुछ दूसरा प्रयास करने के चक्कर में ऋषिकेश चले गए और ऋषिकेश जाकर वो कुछ तैयारियां करने लगे, कुछ अलग जुगाड़ करने लगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी और वो डिप्रेशन में चले गए। इतने बड़े डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। अपने दोस्त के साथ थे और उन्होंने उसी वक्त गंगा नदी में छलांग लगा दी और उनके दोस्त को लगा कि कैलाश का जो पैर है वो फिसल गया है और उनका दोस्त उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ा और उन्होंने बचा भी लिया। कैलाश खेर साल 2001 में मुंबई आए और यहाँ पर कुछ टीवी चैनल्स और रेडियो में जिंगल्स वगैरह गाने शुरू किए। उन्होंने बॉलीवुड में भी गायकी का मौका मिला उन्हें। रब्बा इश्क न हुए, अल्लाह के बंदे, ये गाने कैलाश खेर को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर रातों रात लेकर चले गए। कैलाश खेर ने अब तक 1000 से भी ज्यादा गाने गाने का काम कर लिया है। जितने भी गाने उन्होंने अपनी जिंदगी में गाए हैं, हर गाना उनके चाहने वालों के ऊपर जुबान पर चढ़ा हुआ है। हिंदी के अलावा उन्होंने मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, इन सभी भाषाओं की फिल्मों में भी गाने गाए हैं। क्योंकि कैलाश खेर की जिंदगी की ये जो कहानी है, ये हम सभी की जिंदगी की कहानी है। हम सभी अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से किसी न किसी बुरी परिस्थिति से लड़ रहे हैं और लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी के लड़ने की ये जो हिम्मत है यही सिखाती है कि हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस चलते चले जाना है, आज नहीं तो कल। आप जिस मंजिल के लिए निकले हो वो मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी, बस आपको धैर्य रखना होगा और कड़ी मेहनत लगातार करते रहना होगा। अगर ये कहानी आपको कैलाश खेर की पसंद आई हो तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कहां पर हैं और क्या स्ट्रगल कर रहे हैं
और किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपके कमेंट से भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं।